हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल दो चीज़ों से 10 मिनट में बन जाने वाली दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट ये मिल्क केक की मिठाई, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है सिंपल दो सामानों से। यहाँ पे हमने लिया है करीब 200 ग्राम के करीब खोआ, और यहाँ पे पीसी हुई चीनी डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी डाली है, और अब कढ़ाई पर कम आँच में हमें इन दोनों चीज़ों को मिलाना है। जैसे जैसे ये गरम होते जाएंगे इसमें चीनी घुलती जाएगी। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा। अब इसे हमें चलाते रहना है, चलाते रहने से इसका कलर चेंज होता जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल दो चीज़ों से देखिए ये बिल्कुल दानेदार टाइप का बन गया। इसमें मैंने कुछ नींबू भी नहीं डाला है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा सामान डाला है, बस चीनी और खोआ, बस दो चीज़ें इसमें हैं। इसे लगातार चलाते रहना है, चलाते रहना है, और इसमें एक अच्छा सा सोनापन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मिठाई इलायची की वजह से इसका फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ये ही बहुत ही टेस्टी मिठाई, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस दो चीज़ों से ही बन जाती है सिंपल 10 मिनट में ही। अब देखिए, चलाते रहने से गाढ़ा मिश्रण हो गया है। हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे, और नीचे से उतार के ठंडा हो गया तो इसे चलाते रहेंगे। देखिए इसका कलर ठंडा जैसे से हो रहा है और डार्क होता जा रहा है। चलाते रहने से थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे किसी प्लेट में सेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसमें घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर को इसमें फैलाएंगे। बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ से इवनली। देखिए इसका कितना सुंदर सा कलर आया है, और ये कितना दानेदार बना है। बिल्कुल मात्र दो चीज़ों से बना है। देखिए कढ़ाई भी पूरा छोड़ दिया है, और ये सेट हो गया है। इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल देंगे। ये पूरी ऑप्शनल है आपके ऊपर, आप नहीं भी डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसे अच्छे से सेट हो गया है। अब 5 मिनट तक इसे और सेट होने देंगे, बाहर ही फ्रिज में नहीं रखना है। उसके बाद इसे हम काट लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, दानेदार, बिल्कुल क्रीमी, मुंह में घुल जाए। बहुत ही रिच फ्लेवर है इसका, लग रहा है ना बिल्कुल प्योर। अब ये देखिए सेट हो गया है 5 मिनट में। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप इसे मन चाहे आकार में, पतला या मोटा, लंबा, चौकोर, किसी भी टाइप में काट सकते हैं। मैंने आप इसे लंबा लंबा शेप दिया है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं कलाकंद उस टाइप का। और देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा लजीज। देखिए हमारे बन के अच्छे से तैयार हो गए हैं मिल्क केक, बस दो सामानों से। अब इसे बनाइए और खाइए, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।